पे नूपुर में यहाँ पे मैम राइट में राइट में नूपुर में यहाँ पे मैडम नूपुर जी सेंट्रल रोड मैडम यहाँ पे अरे कोई बैक लाइट बंद करो यार नूपुर मैडम यहाँ पे ऐसा बोल ना पूरा सेंट्रल लोग ओके थैंक यू एजाज भाई सोलो दो एजाज भाई सोलो दो यहां पे एजाज भाई यहां पे यहां पे एजाज भाई एक नंबर बोलो भाई उधर नंबर या एजाज भाई साइड दे दो चलो चलो आया अभी हम अरे मोबाइल से वीडियो ले लो तुरंत चले जाएगा ना सेंटर में देखो चलो थैंक यू चलो हो गया सर थैंक यू सो मच थैंक यू चलो बाय बाय पैकअप ड्रिंक एंड डिनर स्टार्टेड फॉर मीडिया प्लीज एवरीवन चल भाई पैकअप कर ड्रिंक एंड राजा तेरे लिए बोला ये राजा है सट्टा ये अपना मीडिया भाई जो शॉट किया था वही मिस कर दिया राखी जी सोलो 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 सबके बोला यस आए के मौसम जी राखी मैम भाई तमंचा भी लेना भाई राखी जी का तमंचा है ना यूपी बिहार में बहुत फेमस है राखी मैम यहां नेक्स्ट दिल्ली वाले तो काम करते हैं इनके तमंचे से भाई राखी मैम यहां पर चलो थैंक यू सेलिब्रेट करने के लिए सनी ऊपर आ जाओ और बहुत अच्छा लगा थैंक यू राकेश थैंक यू सोनी भाई थैंक यू माय इजाज माय फ्रेंड तुम तो मेरे हर सीरीज हर फिल्म हर जगह हो और थैंक यू भाई आपका बेवफा देखा क्या करते हैं कड़क गाना था भाई एक नंबर अरे आपको भी दिखाएंगे पहले आज बर्थडे क्वीन के लिए क्या मैसेज है राखी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो जितनी अच्छी एक्ट्रेस और डांसर है उससे अच्छी इंसान है वो एक्टर तो बहुत अच्छे होते हैं डांसर भी अच्छे होते हैं इंसान अच्छा होना जरूरी है दोस्तों के लिए हमेशा खड़ी रहती है अपनी फैमिली को बहुत प्यार करती है बहुत अच्छी इंसान है ये मैं कहूंगा राखी के लिए क्या बात है और भाई मैंने राकेश जी को एक चीज पूछी थी कि दो एटम बॉम्ब एक तो ये है न्यूक्लियर एटम बॉम्ब जो झांग गिरे खत्म पूरा दुनिया और एक आप ओरिजिनल एक नंबर जिसने बिग बॉस को जो हिलाया था ऐसे खेल ही रहा है टोप है देखा तो ये दो एटम बॉम्ब को एक गाने में कैसे मतलब किया ये राकेश ने एक दिन फोन किया एक गाना भेजता हूँ सुन ले राखी और आइए राखी जी आप ही आ जाइए प्लीज आइए आप तो मैंने गाना सुना आपने देखा होगा मैं अभी गाना अच्छा लगा मुझे और राखी थी तो नंबर वन आइटम गर्ल तो यही है यार बेवफा आइटम कितने दिल तोड़े राखी तूने
सर लेकिन आपको पता है सेंसर ने आइटम शॉप निकाल दिया, खाली बेवफा रह गया। आइटम है ना अंदर? हाँ वही। क्या बात कर रहे हो? वो बोलते हैं कि आइटम का पेटेंट तो राखी जी ने ले लिया, तो अभी वो खाने में नहीं है। अभी तक चार लोग बैठ के पूरा हिंदुस्तान क्या देखना चाह रहे हैं वो डिसाइड कर रहे हैं, मतलब ये गलत है यार। लेकिन जो थिएटर में है वो एज इट इज आइटम सॉन्ग रहेगा और आइटम वर्ड रहेगा। ये सिर्फ ट्रेलर के लिए था, जो थिएटर ट्रेलर है उसमें यूए करने के लिए उन्होंने आइटम बोला के निकालने के लिए, लेकिन आइटम निकल नहीं सकती क्योंकि दोनों बेस्ट आइटम है, एजाज और राखी फर्स्ट टाइम। आप देख सकते हैं आप गाना, भाई साहब हेलो वीडियो वाले गाना लगाओ तो, और एक बार राखी और एजाज भाई फिर से देखेंगे गाना सेम आइटम सॉन्ग वाला। हाँ तो उसके बाद बात करते हैं। या फिर से और एक बार देखिएगा खाना। बोल नहीं वो अभी चालू है। और ये जोरदार तालियां विराज का, जो नहीं लेते रहे जब चला भी दिया। जल गया सर। अरे बाहर भी चढ़ गया बाहर भी चढ़ गया लाइव है वहां। जोरदार तालियां विराज काल म्यूजिक लॉन्च। उजैन भाई सेल्फी वाले के हाथ में दे दे। फेस कवर हो रहा है, फेस कवर हो रहा है। नीचे रखिए पोस्टर को, नीचे रखिए पोस्टर थोड़े नीचे, पोस्टर थोड़े नीचे। फेस कवर हो रहा है। फेस पीछे हाथ आ गया। फेस पीछे खाली और खाली साथ भाई बीच में आओ ना। इजाज भाई बीच में सब मैं कराने का, तुम लोग खाली बटन दबाओ। अरे ठीक है यार इतना डायरेक्शन मत करो। इजाज भाई सामने देखिए सब एक किस्सा। ये मूवी में एक गाना था जिसका नाम था बेवफा आइटम, लेकिन सेंसर ने क्योंकि राखी ने आइटम का पेटेंट कर लिया तो बोला आइटम बेवफा के साथ तो शूट नहीं होता, राखी कभी बेवफा हो ही नहीं सकती, तो आइटम शब्द जरा आप निकाल लीजिए। तो बेवफा आइटम से आइटम निकल गया, बेवफा रह गया, क्योंकि आइटम तो क्रीट एक ही हो सकती है बॉलीवुड की, दैट इज नन अदर देन राखी सावंत एंड शी इज द बर्थडे क्वीन। और राखी अभी जस्ट आई जस्ट 18 साल की थी, ये साल 19 साल की हो गई। देखिए कितनी यंग लग रही है, डायनामिक लग रही है। इनको हॉट बोलू ब्यूटीफुल बोलू ऐसे डिक्शनरी में कोई वर्ड नहीं है, जो गॉर्जियस बोलू सेंशुअल बोलू ऐसा कोई है नहीं शब्द जो इनको मैच, ये इतनी डायनामिक है।
क्या कि ये लाइट भी फीकी लग रही है इनके सामने। अरे कितना क्लोज में खड़ा है। क्या बात है राखी जी। अरे उसका भाई है तो क्लोज में नहीं खड़ा है। अब इधर मत सर। राखी जी हम आपको थोड़ी देर के बाद बुलाएंगे, मूवी के बारे में बात करेंगे। यस बेवफा के बारे में बात करेंगे और आपके जो पार्टनर थे बेवफा में एजाज खान उनके बारे में बात करेंगे। रवि बहुत भागे तुम है। अरे किशन हुआ देख दोस्तों शानदार तालियां हो जाए राखी सावंत के लिए। Yes, तो बहुत देखा बहुत जबरदस्त यू कैन से लुकिंग गॉर्जियस इन दैट दैट बी लगता है और वाओ राखी मैम इधर द होल मीडिया इज डन क्राउड इज डन। और दोस्तों क्या था उनकी ये मूवी भी आ गई है विनाश काल और ये 2020 का धमाका है। एंड फाइनली शी इज कमिंग पीछे 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 वो बा बिचाओ पीछे पीछे इधर पीछे। अरे आ रहे ना भाई अरे पीछे रे भाई ये इंडिया रिलीज है ये कितना बड़ा धमाका करने वाला है। मेरे पास रियली मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आई हैव अ कोरोना वैक्सीन। मेरा नमस्कार। मेरे पास है कोरोना वैक्सीन। मेरे के लोग आए उनको मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच आने के लिए राखी जी आई है। कौन सा वैक्सीन है कहां से मिला। प्लेजर के आज उनके जन्मदिन पे उसके बारे में डिटेल्स में बात करना क्या हो सकती कि उनके जन्मदिन पे मेरी फिल्म का म्यूजिक मेरा ट्रेलर लॉन्च हो रहा है। इट्स अ ग्रेट ऑनर मतलब सुनने के सामने। अरे उधर जाके करो ना वो सारे स्टार स्टार आप हो बड़े मेहनत से बनती है। उदयपुर जयपुर में कालस पे शूट करना इतने सारे आर्टिस्टों को इकट्ठा करके एक फिल्म बनाना इट्स नॉट इजी बहुत टफ रहा। एंड लॉकडाउन के बाद आज ये फिल्म 27 को पर्दे पे आ रही है। करीब 800 रिलीज करना यार थोड़ा जो हमारी छोटी भी फिल्म हो ना तो हमारी फिल्म रिलीज हो जाती है। उसके बाद विनाश का तो करोना काल खत्म हुआ अब विनाश काल करेंगे। सर हॉरर से मुझे एक चीज याद है हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं कोई हॉरर इंसिडेंट होता है। कभी आपने रियलिटी में ये हॉरर एक्सपीरियंस आपके साथ कभी हुआ है फील किया हुआ है। अरे बोलेगा मुझे आज वैसे ठीक है ये वैलेंटाइन्स पे पूछूंगा। एनीवेज आपने तीन आइटम गाने देखे पहले तो एजाज भाई और राखी जी का देखा फिर आपने नुपुर जी का देखा और नुमैश जी का देखा। बताइए तीनों गाने में आपको क्या अलग लगा जो आज के दौर में आपको अलग दिख रहा है लॉकडाउन के बाद इतना जलवा क्या कहना चाहेगी आप। वैसे तो राखी जी अंदर है तो और कुछ देखने की बात ही नहीं आती हम कैमरे में बिकॉज पहले तो यहाँ मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी मैं मुझे यहाँ इन्विटेशन मिला इसके लिए। और राखी जी का बर्थडे है तो वैसे तो उनका इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है पर अगर मैं अपने अंदाज में जैसे आपने मुझे बोला कि बोलना है तो मैं तो गुजराती हूँ तो गुजराती में कहीं कि राखी जी केवा छे मांगो जो पानी तो दूध आपी जाए प्रेम थी मांगो तो जान पण दे जाए। मांगो जो पानी तो दूध आपी जाए प्रेम थी मांगो तो जान पण दे जाए। भरपूर प्रेम थी जेना दिल से छलकाए કોઈ ની ભી જોડે જેના મન ભરી જાય લાજ અને મર્યાદા ની ઓળખ કહેવાય અને ઇજ્જત થી જીવે ને દોસ્ત રાખી સાવંત કહેવાય। શું વાત છે શું વાત છે જોરદાર તાળીયા દોસ્તો ક્યા વાત હે રાખી જી આઈ હોપ આપ સુન રહી હો
क्या बात है, राखी जी भी सुन रही है। और मुझे बताइए, बर्थडे के दिन आज ये 19 साल की हो गई, तो इस 19 साल की कमसीन लड़की के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हिंदी में? अभी उनको मैसेज देने की जरूरत नहीं, उनसे मैसेज लेने की जरूरत है कि उनकी ब्यूटी का राज क्या है। राज ये तो वो जब केक काटेगी उसके बाद जब स्टेज पे होगी तभी मैं उनसे पूछूंगा। एनीवेज थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। मेरी तरफ से शाज मीडिया एंटरटेनमेंट की तरफ से, राकेश सावंत सर की तरफ से, राखी जी हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसे मेरे दोस्त को निकाल, हैप्पी बर्थडे टू राखी, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या बात, ब्लेस यू मेरे गॉड, ब्लेस यू मेरे गॉड, ब्लेस यू राखी। सेल्फी मुझे कोई नहीं खिलाएगा, रिक्वेस्ट कर रही हूं। अरे गिर गया मोहम्मद जी, कम ऑन स्टेज मोहम्मद जी। कौन उसी को ढूंढ रहा है? नपुर, नपुर जी आप भी राखी जी को आशीर्वाद दे दीजिए। क्या बात है, लगभग जी अभी केक खिला दीजिए। नुपुर जी आप जाइए। आज 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 राखी डाइटिंग पे है। नुपुर जी नुपुर जी एजाज भाई, न्यू